नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ऑडियो प्रकरण में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं और अभिषेक प्रताप गंभीर सवालों के बीच लगातार घिरते जा रहे हैं। सुबह वायरल हुई ऑडियो के बाद जब हमने अभिषेक प्रताप से बात की तो उन्होंने भी एक बार फिर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, पर सुबह वाली ऑडियो और अपने इंटरव्यू दोनों में ही जिस छात्र राजा का उल्लेख है उससे हमने सीधे तौर पर बात की और राजा ने क्या कहा सुनिए। आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आप अभिषेक प्रताप जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं उनसे कुछ पैसे की लेन देन को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या वो ऑडियो में आवाज आप ही की है? हाँ सर। तो क्या मेरी? हाँ, तो क्या अभिषेक प्रताप जी ने आपसे पैसे लिए थे? हाँ सर, ये लास्ट ईयर की बात है। किस चीज को लेकर पैसे लिए थे? सर लास्ट ईयर की बात है, मैं एडमिशन लेना चाहता था बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, तो मैंने इंट्रेंस दिया था जी। तो कुछ अंक कम होने के कारण मेरी मुलाकात नीतीश पटेल से हुई। अच्छा। हाँ, उनके द्वारा अभिषेक प्रताप जी से मिले जी, तो उन्होंने बताया कि कुछ पेमेंट सीट वगैरह पे एडमिशन हो जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है एडमिशन। हाँ। उन्होंने पर बाद में बताया इतने पैसे लगेंगे, पेमेंट सीट तो हो जाएगा। कितने पैसे? तो ये पैसे 30,000 बोला था। मतलब ये आपकी फीस के अतिरिक्त 30,000 रुपए लगेंगे? हाँ हाँ, पेमेंट शीट पे। अच्छा, तो आपने पैसे दिए थे अभिषेक प्रताप जी को? हाँ, मेरा एक फ्रेंड था, दोनों ने दिए थे। दोस्त का नाम बता सकते हैं आप? हाँ, प्रासु पटेल। क्या नाम है फिर से बताइए? प्रासु पटेल। प्रासु पटेल। हाँ, और मेरा नाम राजा पटेल। हम लोग ने 60,000 रुपए दिए थे। तो फिर आपका एडमिशन हो पाया था कि नहीं? नहीं हुआ था, और फिर इनके नहीं हुआ। फिर जैसे हमें पता चला कि मतलब ऐसे एडमिशन होते नहीं विश्वविद्यालय में, तो हमने पैसे मांगने की कोशिश की, तो मतलब इनका बहाना रहता था कि नहीं अभी हो जाएगा ऐसा करके कुछ डेट बढ़ाते रहे। तो आपको मिले कि नहीं वापस? नहीं मिले। तो आपने पुलिस के पास क्यों नहीं शिकायत की? आपने विश्वविद्यालय में क्यों नहीं शिकायत की इस चीज की? मुझे एक्चुअली पता नहीं था वहाँ का क्या है। मैं हूँ दमोह एमपी से। अच्छा। तो मैं झांसी में कुछ ज्यादा किसी को जानता नहीं जी। हाँ, तो मैं फिर मुलाकात इनसे हुई, समरेंद्र भैया से। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आपसे ऐसा था तो आप पैसे वापस? हाँ, पैसे वापस भी नहीं कर रहे। और हाँ, और धमकाने की बात भी की थी उन्होंने। क्या धमकी दे रहे थे आपको? हाँ, एक वीडियो मिली है हमें। हाँ। जो नीतीश के माध्यम से हम गए थे उनकी। हाँ। इनकी पर्सनल बात हो रही थी तो उनमें डायरेक्टली हमें नहीं बोला। हाँ। अच्छा। डायरेक्टली नहीं हम बोला, लेकिन उस आईडियो में बोला है। अच्छा। हाँ, कि आपको धमकाया जा रहा है। हाँ, उनकी पर्सनल बात हो रही है। राजा, अगर इस पर पुलिस कार्रवाई होती है तो क्या आप पुलिस का सहयोग करेंगे जांच में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, जब गलत है तो गलत ही बोलेंगे। ठीक है। मेरे जैसे कई बच्चों आएंगे, उनके लिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल। ये उजागर हो तो वो भी सबसे बचेंगे। तो राजा, क्या मैं सर चाहूंगा सर जी, इस पे सर जल्द से जल्द कार्रवाई और हमको न्याय मिले, क्योंकि ये सर मेरा बस मामला नहीं है, ये हम जैसे अन्य विद्यार्थियों का है जो ये पैसों के मामले पे पढ़ाई को जो बिजनेस बनाया जा रहा है कि इसके पे कार्रवाई होना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप किसी भी प्रकार के छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं सर, मैं किसी भी प्रकार की एनएसयूआई समाजवादी पार्टी किसी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं सर, मैं इन सब से दूर हूँ। मैं सर अभी लास्ट ईयर 12th पास आउट की है मैंने। अच्छा। हाँ सर। आपके माता पिता नहीं जानते थे कि आपने पेमेंट की है इनको?
माता पिता जी ये पता था सर हमको, मैंने भी बताया था कि पेमेंट सीट का बोला था सर। अच्छा, पेमेंट सीट पे एडमिशन हो जाते हैं, अतिरिक्त सीटें रहती हैं, तो हमें लगा होता होगा। तो आप किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई थी, मतलब किसी सरकारी आदमी से या किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी से जिनसे आप? नहीं नहीं, अभी नीतीश द्वारा जो गए थे उन्होंने इन्हीं से अभिषेक जी से मिलवाया था, बोल रहे थे ये वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मतलब हाँ ये करवाते हैं। चलिए, तो अब वो परिचित थे नीतीश पटेल, तो उसी भरोसे पे विश्वास हो गया। ठीक है ठीक है। अभिषेक, आपको बता दें इस मामले में राजा पटेल ने झांसी पुलिस के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की चौकी प्रभारी को एक लिखित शिकायत भी भेज दी है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये एडमिशन प्रकरण का मामला गंभीर होता जा रहा है और अभिषेक प्रताप को भी और कई सवालों के जवाब देने होंगे, जनता को भी, छात्रों को भी और जांच करने वाली पुलिस टीम को भी। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।